मैच है और क्या आप पर्सनल क्या फीलिंग है, क्या डालिए बाबर को रिजवान कॉल करने में या कुछ और तरह की फीलिंग दी जा रही है? नहीं, फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है और आपको पता चलिए आपने इंटरव्यू भी किया कि जितने ट्वीट चल रहे मजाइया ट्वीट चल रहे हैं और द वे जिस तरह अफगानिस्तान की टीम पहले दो मैचेस के लेकर थर्ड मैच में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, लेकिन यह कि जिस टाइप क्रिकेट काम खेल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि टफ टाइम दे सकते हैं आगे मैच में भी। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है बाबर रिजवान, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है और डेफिनेटली हमने प्लान किया हुआ है एज प्रोफेशनल, जिस तरह हमने बाकी टीम्स के लिए प्लान करते हैं, तो ऑब्वियसली आई होप कि बाबर और रिजवान के लिए भी हमने जो प्लान किए वो हमारे प्लेयर उसको एग्जीक्यूट कर सकें। उमर भाई, हमने देखा कि जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान ने बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स उस तरह से बॉल नहीं कर सके, उसके लिए क्या प्लानिंग की है? क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पर जो टॉप ऑर्डर अभी आप मिलता है, बाबर रिजवान है, फिर फखर है, क्या कैसी प्लानिंग की है फास्ट बॉलर्स पर खासी कितनी तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट मैच में ऑब्वियसली तौर से हम बॉलिंग आप कह सकते हैं कि आप तो मार नहीं थे, लेकिन हमने इतनी पूरी बॉलिंग भी नहीं की। अगर आप देखिए, अगर हम वो दो कैचेस कर देते तो मे भी रिजल्ट चेंज हो सकता था और कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन ऑब्वियसली एक हमारा जो मेन एक लड़का था राउंडर है अजमत, काफ़ी टैलेंटेड है और पेस वाइज भी अच्छे स्पीडी बॉलर है, उसके ना होने से भी बड़ा फर्क पड़ा क्योंकि बीच में वो ओवर करता है, एंड के ओवर भी करता है, वो बीमार था, तो अभी आई होप कि कल के मैच के लिए वो रेडी हो जाए क्योंकि उसका अभी फिटनेस टेस्ट हम चेक कर रहे हैं, कल भी उसकी प्रैक्टिस की आज भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली टॉप प्लेयर्स हैं दोनों साइड में भी, अगर आप बाबर को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, टॉप रैंक में है, रिजवान की जिस तरह की माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स जिस तरह मैंने पहले कहा था सब सारे प्लेयर्स को हमने प्लान किया है, सारे प्लेयर्स के लिए प्लानिंग की हुई है और आई होप कि जहाँ पे हमने थोड़े से मिस्टेक किए थे अफगानिस्तान की टीम ने लास्ट मैच में, तो आई होप कि उसको हम वो जो मिस्टेक्स किए थे उसको हम कट डाउन करें और होपफुली कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सर, उसको थोड़ा सा ये उमर भाई, जहाँ पे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है उसके गिर्द रुआ में अफगानिस्तान के रहायशी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कारोबार करते हैं, अच्छा क्राउड वहाँ पे आएगा और पाकिस्तान का भी आएगा, तो कैसा देखेंगे दोनों ममालिक जो है ना हाउसफुल होगा शारजा स्टेडियम? अरे बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि शारजा में काफ़ी पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की भी और पाकिस्तान की भी, और जितना मुझे पता चला है कि सोल्ड आउट हो चुके सारे टिकट बिक चुके हैं, तो हमेशा से काफ़ी जो पास में भी जितने मैचेज हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के काफ़ी लाइक प्रेशर वाले मैचेज होते हैं, और अगर आप फ्रेंड वाइज से बात करें तो काफ़ी क्राउड आता है और मेरे ख्याल से इस मैच के लिए भी काफ़ी लोग एक्साइटेड है, जिस तरह की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारी है अफगानिस्तान टीम से भी, और अदर साइड अगर आप देखें टॉप के प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान से भी, तो लोग ऑब्वियसली इन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं और आई होप कि अच्छा क्राउड होएगा और अच्छा मैच देखने को मिले। उमर, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में